आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैदे से बना हुआ बिल्कुल नए तरीके से नाश्ता। तो ये फ्रेंड्स बनाना आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो एक बार मेरी रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैं डाल रही 2 चम्मच मैदा और सेम चम्मच से 2 चम्मच मैं इसमें बेसन डालूंगी। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा गुलकी का पाउडर, इसे टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा आता है। और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल इसे गाढ़ा घोल रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह का घोल रेडी करना है। और यहाँ पर मैंने पानी रखा है, पानी के ऊपर मैंने इस तरह का एक जाली डाला है। जाली के ऊपर मैं एक प्लेट को रख देती हूँ, ये देखिए। और इसे मैंने तेल से अच्छे से घस दिया है। अब मैं इसमें मिश्रण को डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने मिश्रण को डाल दिया है और इसे 7 मिनट तक मीडियम गैस पर पकने देती हूँ। तब तक मैं ग्रेवी का रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ताज़ा दही लिया है, 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। ये तीखी वाली नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप तीखी वाली डाल रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा डालें। सभी को मैंने यहाँ पर मिला लिया है, बिल्कुल ये रेडी हो गया। तो इसे मैं अभी साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर 7 मिनट हो गया है और ये भी अच्छे से पक गया है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, तब मैं इसे काट लेती हूँ। तो आप चाहे तो अपने मनपसंद शेप में भी इसे काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे चकोर भाग में काटा है, ये देखिए। तो इसे अभी मैं साइड में रख देती हूँ। और गैस पर मैंने कढ़ाई रखा है, 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। तेल यहाँ गर्म हो गया है। तो इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा डाला है, थोड़ा सा मैंने यहाँ कस्तूरी मेथी डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही वाला घोल को और इसे लगातार 2 मिनट तक मिलाते रहूँगी। तो यहाँ पर लगातार 2 मिनट मैंने मिला लिया है। 1/2 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डालूँगी। सभी को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अब एक एक करके मैं इसमें डाल देती हूँ, ये देखिए। और इसे मीडियम गैस पर 3 मिनट तक पका लूँगी। तो यहाँ पर 3 मिनट हो गया है और ये देखिए, ये बिल्कुल ही अच्छे से पक गया है। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही कम समय में झटपट बनकर तैयार हो जाता है। एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।